नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करछि मु चिन्मय। न्यूज रूम लाइव रे आलोचना करबा बिगुडुछि काशीपुर स्थिति कारण वर्तमान घातक हलानी कलेरा 28 बाग ब्लॉक रो 28 पंचायत रो वर्तमान 6 पंचायत रे पूरा संपूर्ण भाव रे कलेरा व्यापी सालेनी जहा फल रे कि 8 जनकर मृत्यु हेछि। एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे केवल ये कारण होछि दूषित पानीय जल व्यवहार करी दूषित पानीय जल पई एभली स्थिति उपजुछि। एवं 2007 रो पुनरावृत्ति वर्तमान होउछि जोंति पई प्रशासन जदियो टिके तत्परता प्रकाश करिछि। डाक्टरी टीम घटनास्थल रे रहिछंती एवं वर्तमान स्थिति को केमती नियंत्रण करा जिवो सेति पई मध्य उद्यम आरंभ होइ जायछि। किंतु या भितरे कथा होउछि जे पानी समस्या पूर्वरु जेमति वर्षा दिन आसिले समस्तक पई पानीय जल सबुठ बड समस्या थाए से खरा दिने जदियो पानी सुखी जाय किंतु वर्षा दिने नदी नालर पानी सबु एक्जुट हुंती दूषित पानी लोक मान व्यवहार करती जो कि एभली रोगर शिकार हुंती। किंतु कथा होची जे लोकों भितर सचेतनता ना एवं यह सहित पानी जलर सुविधा ना जो कि लोक मैंने बाध्य दूषित पानी व्यवहार करने बोध हुए आज एभली एभली स्थिति उपजुच्छे बाबद आलोचना करवा आम सहित भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती जोड़ी होती। दिव्य कथा जे वर्तमान 8 जन मृत्यु पर सरकार ये निष्पत्ति नौकरी 15 पंचायत रे पानीय जल प्रकल्प वर्तमान कैबिनेट निष्पत्ति होई। देखो चिन्मय निश्चित भाव में रायगड़ार काशीपुर अंचल जो भाई झाड़ा बांति व्यापी और 8 जन लोकों जीवन गला तो ताकु नहीं क्योंकि लगातार भाव में विधानसभा आपको नहीं गोटे प्रकार भूकंप सृष्टि होउची। लगातार विरोधी माने प्रश्न कर सरकार घेरुंट विभाग मंत्री उत्तर दाबी कर संसद व्यापार मंत्री दुई दिन तले जो उत्तर रखते से झाड़ा बांति हो तार प्रमुख कारण हो विषाक्त जल जो अपरिष्कार जल लोक मैंने पीऊँच से झाड़ा बांति व्यापी तो एथरु गोटे स्पष्ट गत काली कैबिनेट रे राज्य सरकार विशेषकर रायगड़ा जिलार 15 पंचायत रे मेगा पानी जल प्रकल्प करने घोषणा कर प्रोजेक्ट कॉस्ट रही पाखापाखि 100 कोटी टंकार ऊर्ध एवं जदि आम देखा पूर्व 2020 मसीह तत्कालीन पंचायतराज मंत्री जी थे प्रताप जेना से गोटे विधानसभा जो उत्तर रखते कहते जे काशीपुर ब्लॉक रे मेगा पानी जल प्रकल्प निर्माण करने 300 कोटी टंकार ऊर्ध कोटी टंकार व्यवहार कर खूब शीघ्र सेठारे मेगा पानी जल प्रकल्प कर लोक मान घरे विशुद्ध पानी जल कि पहुँच तार सरकार पूरा कहीपर कार्य आगक नहीं प्रश्न उठू जे गोटे पर गोटे घटना सामना को काशीपुर आज जो घटना घटी यह कौन आजिका दिन घटना नुहे यह बहु वर्ष धरी एमती घटना लगातार घटू प्रत्येक वर्ष काशीपुर रायगड़ा जिले में यही घटना देखा मिले झाड़ा बांति व्यापे लोके मृत्यु मुखरे पड़ते एक प्रत्येक वर्ष देखा पड़े और आप देखिए गत काली जी रही रायगड़ स्वाधीन विधायक मकरंद मुदुल से एक पूर्व से गोटे अनुष्ठान जे विशेषकर रायगड़ार जो पानीय जल समस्या और विषाक्त पानीय जल उपर गवेषणा करूला किंतु वर्तमान से संस्थाटी को बंद कर दिया जहाद्वारा सेठिकार जो वर्षा दिन जो आसूँ जो विषाक्त पा शुद्ध पा मिशुची तो ये जो प्रक्रिया जो जारी रही से समय परीक्षा करने कौन साइंटिफिक टीम ना लोके माने सीधा सड़क विषाक्त पा पीऊँच और झाड़ा बांति व्यापुंट मृत्युमुखे पड़ती निहाती भाव में यह प्रसंग रही है आपको नहीं सरकार जी तत्पर होगा से तत्पर होगा देखा जाऊना अंपटे पूर्व प्रस्तुति वर्तमान प्रस्तुति आपको नहीं गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि होती कारण सरकार सब कहते आप देखिए 5T रो नारा दिया 5T रो मंत्र फुंका जाउची किंतु अन्य पटे जो 5T रो प्रमुख जो टी गोटी कहा जाउची टीम वर्क टाइम ट्रांसपेरेंसी ता सहित टेक्नोलॉजी एवं ट्रांसफॉर्मेशन ये 5T रो नारा दिया तादर जो टाइम रही से टाइम बा समय मुताबिक कार्य कौन क्षेत्र में शेष होना आपण पूर्व 2020 जो निष्पत्ति रही था तार जदि समय टिके विलंब अच्छी तथापि जदि या तुरंत करता विशेषकर जो 2020 मसीह घोषणा करा जदि यही 2 वर्ष भितर कम्प्लीट करता आज हूँ तो 8 जन लोक जीवन जा नाता झाड़ा बांति व्यापी से प्राण हर ना आजिका दिन में जो 100 कोटी ऊर्ध टंकार पानी जल प्रकल्प से घोषणा कराई जदि तुरंत करता जो टाइम पीरियड रखा जाए से टाइम पीरियड भितर करता टीम वर्क परफेक्ट काम करता टेक्नोलोजी को परफेक्ट भाव से काम करता ट्रांसफॉर्मेंसी से ही अनुसार रुहता सहित ट्रांसफॉर्मेशन ए सबू दिगक जो सरकार गुरुत्व दिये ये जो प्रोजेक्ट गुड़िक घोषणा हो प्रोजेक्ट गुड़ा तुरंत हो पारंता केवल दिव्य आसबि ए कथ को जे देखंतु 2020 मसीह रे विधानसभा रे पंचायत राज मंत्री जो कथा कहिथिले 2020 मसीह आपन को लागुनी तथापि विलंब होईछि।
देखो निश्चित भाव में जोबले लोक जीवन जीविका सह कौन जिनस जड़ित अच्छी से प्रसंगे सरकार कौन सी भी अवहेला करार आवश्यकता नुहे ये लोक जीवन प्रसंग अच्छी लोके झाड़ा बांती मरुँच प्रत्येक वर्ष तो से दृष्टिकोण सरकार तुरंत ये कि भाव में पानी जल प्रकल्प करेंगे से उपर गुरुत्व कर आवश्यक रही केन्द्र सरकार भी पर्याप्त अर्थ दौरान केवल राज्य सरकार अर्थ दौरान नुहे केन्द्र सरकार पर्याप्त अर्थ दौरान आपड़ देखते प्रत्येक घर को पाइप जोगे पानी जल पहुँचापी केन्द्र सरकार योजना रही है 2024 सुधा समस्त घरे पाइप जोगे पानी जल पहुँचे से केन्द्र सरकार गोटे टार्गेट फिक्स करपर्याप्त अर्थ राज्य सरकार जोगा दिया जो कथा देखिए आम राज्य में व्यतिक्रम देखा मिली पखापाखि 62% घरे बर्तमान सुधा पाइप जोगे पानी जल पहुँची पारिना एक निजे राज्य सरकार स्वीकार कर विधानसभा अंपटे आप जो पाइप जोगे पानी जल पहुँचार जो बार्ता रही है राज्य सरकार पूरी में जो कार्यक्रम आरंभ कराला पूरी में जो जगार तत्कालीन पंचायतराज मंत्री जे रही जो जगार से शुभारंभ करते जो पाइप जोगे पानी जल पहुँचार प्रति घरे घरे से ही जगह आज अचल हो पड़ी निहाती भाव में सरकार जो घोषणा करम करवर्त समय भूली जाऊँगी से जो घोषणा होता से घोषणार बास्तवता कौन रही से घोषणा केत कार्यकारी है कि नहींपर कौन से अनुधान कराऊना जो कार्यक्रम कराऊँच जो योजना कराऊँगी योजनार सफल केत दूर लोक पहुंची पार्टी तार कौन से अनुधान कराऊना के अटकैबे परवर्ती समय रे फेरी बे आलोचना करबा काशीपुर रो हम प्रतिनिधि राजेश पात्र हम सहित जोडी होचंती राजेश वर्तमान लोकमानंक स्वास्थ्य अवस्था रे कोन स्थिति रही छि कारण वर्तमान सुधा 8 जन को जीवन गलाणी अनेक आक्रांत होइचंती कोन स्थिति परिलक्षित करचंती देखम तो चिन्ह निहाती भाबे जदियो प्रशासन लोकन को पाखरे पहुंचि जे किंतु जदियो मृत्यु संख्या कमी छि हम तो कहि परिबानी किंतु लोक बर्तमान सचेतन नहाँ दूषित जल व्यवहार करुवा बर्तमान भी अनुमान हो जो टांकर मध्यम पानी जल जगै दि जा प्रशासन पक्षर ता दूषित रही ग्रामवास अभोग कर व्यतीत 2018 रु ब्लक प्रत्येक पंचायत को मेगा प्रकल्प मध्यम पानी जल जगै देवाक कार्यर आरंभ होवार घोषणा कर सुधा बर्तमान सुधा यह अनिश्चितता प्रकाश पाई कारण वर्तमान कार्यटा आरंभ होता बेले यार अवधि 2023 सुधा कार्यर समाप्त रही बेले वर्तमान अनिश्चितता प्रकाश पाई तबे राजेश कथा होची जो कथा आपण कहउतिले जे लोकमान सचेतन हेउनाहांती लोक केमती सचेतन हेबे लोकक पाखरे विकल्प तो नाही ना जदी विकल्प थांता बोधे लोक सचेतन हेतांते आ जदी ग्रामांचल स्वास्थ्यकर्मी माने रहितांते से माने बा प्रशासन तरफरु सटिक बापरे लोकक सचेतन करा जाईतांता जेमते की पानी दूषित पानी को व्यवहार न करबा एभले स्थिति आ विकल्प जदी थांता बोधे लोक अन्य कोनसी विकल्प व्यवस्था देखितांते हाँ निहाती भाव में देखो चिन्मय बर्तमान जदि काशीपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र अवस्था कथा कह काशीपुर गोष्ठी स्वास्थ्य अधीन 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रही है बेले सेठे 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बर्तमान डाक्टर नहांती बर्तमान जदि टिकिरी रे स्वास्थ्य डाक्टर को जगह दि जाए बर्तमान 2 स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टर पदवी खाली पड़ी जहाद्वारा लोक मैंने स्वास्थ्य सेवा को आपणई पार ना जहाद्वारा जना टा एवं पारंपरिक पद्धति पूजा अर्चना करने रोग रक्षा पा चाहते भाव देख मैडम काशीपुर हूँ गोटे आदिवासी अधूषित अंचल एठाकार लोक एत सचेतन नुहति किंतु काशीपुर ब्लक अनेक दुर्गम गाँव रही जो बर्तमान सुधा पानी जल व्यवस्था जगै देवा सरकार विफल होती गाँव रोक मैंने नाल झरणा नईर पानी बर्तमान व्यवहार कर नजर रही बारंबार खबर प्रसारण पड़े सरकार चेतुनि बिल्कुल राजेश परवर्ती समय फेरी भी आलोचना करने दिव्य सहित तो जोड़ी लगातार भाव आम आलोचना करुचे दिव्य कथा हूँ जो आकांक्षी जिला केन्द्र सरकार 10 जिला को अंतर्भुक्त करते या भितर ये आकांक्षी जिला गुड़िकाई पर्याप्त परिमाण रे अर्थ आसुची केन्द्र सरकार को तरफ किंतु सरकार जो स्वप्न देखी ले ये अंचल को नहीं वास्तविक से सब किंतु आज पर्यंत पूरण हो पारुनि देखो चिन्मयनेश्वर केवल आकांक्षी जिला अनुजाई पैसा स्थान नुहे विभिन्न हेड रे केन्द्र सरकार पर्याप्त टंका जोगाउछंती किभली ओडिसा जो उपांत अंचल रही जो दुर्गम अंचल रही सेठिकार जो मैंने अधिवासी रही से जीवनशैली बड़ परिवर्तन आसिबो से खणी एरिया हो किंबा जो दुर्गम अंचल रही से सब एरिया लोक मान जीवन में परिवर्तन आने सरकार
पूरा प्रतिश्रुतिबद्ध एवं एथिपाई लगातार भाव में केन्द्र सरकार पक्षर टंका जोगाई दिया पर्याप्त अर्थ जोगाई दिया कि सठिक भाव में परिचालना कराने अनेक समय देखा जो टंका आसू से फेरी जाने गुड़े टंका जो खर्च हो तार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दि जाए पाने कथा देखाई किंतु वर्तमान समय हो सरकार जो पदक्षेप ताकू तुरंत कार्यक्षम कर आवश्यक कारण प्रत्येक वर्ष एटी लोके झाड़ा बांती व्यापुची लोके मरुंट गोटे समय थी जो काशीपुर अखाद्य खाइबा जो परिचित होता समग्र विश्व में से ही समय काशीपुर लोक मैंने आंब टाकुआ खाऊ एक समय जानते जहाँ को नहीं सारा विश्व में ओडिशा गोटे निंदा मुंडाई गोटे अपमान मुंडाई जे आज भी ओडिशार लोक मैंने आंब टाकुआ खाऊँच आज भी ओडिशार घरे घरे राशन पहुँच पार ना आज भी ओडिशार लोक मानक आंब टाकुआ खाया बाध्य पड़ी एभली जो चित्र आसला से चित्र आज परिवर्तन होना एक क्यों ना कौटी सामनाक आसूँ विशेषकर पानी जल क्षेत्र में सरकार जो जो पदक्षेप नेबार कथा से पदक्षेप नि जाए ना जो आज सात रु आठ लोक जीवन जाइए एक सरकार स्वीकार करेंगे जे अंत आजिका दिन में जो कार्यक्रम सब घोषणा कराता पूर्व कर आवश्यक था जदि पूर्व ये कार्यक्रम हाथ को नहीं तेल आजिका दिन में जो आठ लोक जीवन जाए जा नाता आम दुई दिन तले जनस्वास्थ्य निर्देशक सहित कथा होलु आपण जानते गाँ गहर पूर्व लोक मैंने कू खोलिक कूर पा आई था तो उपात अंचल जेहेतु बोरवेल खोलियापी पाखे सामर्थ्य न थाए अर्थ न थाए से कू खोली था चुआ खोली था से जो पा से पाती पी था बर्तमान समय जेहतु बर्षा दिन रही बर्षा दिन बर्षा फल चारिड़ पा एकाठी हुए से ही कू चुआर जाशे और जितेबाला चारिड़ दूषित पा जा कू चुआ मिशुची से पीछं तो ताद्वारा झाड़ा बांती व्यापुचे पीवा पा भल विशुद्ध पीवा पा पिया पा देवाई सरकार पाखे कौन व्यवस्था नहीं सरकार किसी व्यवस्था करना और से बाध्य हो विषाक्त पीवा पानी जल व्यवहार करने जहाद्वारा झाड़ा बांती व्यापुची प्रथम कथा सरकार जो प्रोजेक्ट सब हाथ को नेउछंती पूर्व नेबार थिला एवं जो प्रोजेक्ट सब हाथ को नहीं तुरंत करिबार थिला प्रथम 2018 मसीह घोषणा करागला ए पर्यंत कार्यक्रम हो पारिना एवं आहुरी गोटे वर्ष रही से प्रोजेक्ट सरिया अन्यपटे एबे जो प्रोजेक्ट घोषणा करागला ये केबे सरिबो ता सरकार टार्गेट फिक्स करना जहाँ सरकार कहते 2024 सुधा सरिबो वास्तव में जो प्रोजेक्ट घोषणा कराए ता जो समय अवधि रही है ताकि आहरी वर्षे दु वर्ष विलंब हुए आम प्रत्येक प्रोजेक्ट क्षेत्र देखीचे तो ये जदि से हुए तो आहरी वर्षे दु वर्ष लोक मैंने प्राण हराउ थे और लोक मैंने कहींपर भल पीवा पा टे पार नए बिल्कुल तबे दिव्य कथा जे वर्तमान जदि लोक मान चिकित्सा करा कराऊँगी डाक्तरी टीम प्रस्तुत करा किंतु या भितर कथा हूँ सब चिंताजनक विषय जो भाइब्रियो कलेरा भूताणु कथा कहुची ये भाइब्रियो कलेरा भूताणु के मारात्मक हो पाए देखु ता तो स्वास्थ्य विज्ञानी मान जो मैंने रही स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने रही जहाँ मत रही ये जो कलेरा भूताणु रही बहुत मारात्मक यहाँ अनेक लोकों जीवन जातीत एक स्वास्थ्य विशेष मैंने कहते जदिव टेक्निकाल टर्म रही आम से विषय में अधिक जाणिना कि तथापि आम जो पूर्व अतीत केस गुड़िक देखीचे घटनाक्रम देखी से एक स्पष्ट ये जो कलेरा भूताणु अनेक लोकों जीवन नहीं आजिका दिन मेंनेक लोक जीवन जाऊँच से दृष्टिकोण सरकार अंततः सचेतन होवार आवश्यक रही जो टीम पठाई ताठ कि अधिक भल टीम से जापरेंगे अनुधान करेंगे से उपर सरकार गुरुत्व आवश्यक रही है विशेषकर वर्तमान समय सबुठ बड़ प्राथमिक पदक्षेप सरकार हे जे जो टैंकर जोगे पानी जल पहुँचा हो टैंकर जोगे पानी जल भी विषाक्त कहुची से समय विभिन्न समय चर्चा होती भाव में जो टैंकर जोगे पानी जल पहुँचा होकू कि शुद्ध पानी जल पहुँचा जापर से सरकार गुरुत्व आवश्यक रही है लोक मानक सचेतन कर आवश्यक रही कारण लोक मैंने उपात अंचल सचेतन न था समान से पाठ पढ़ी ना तो सचेतन करने सेठिकार जो स्वास्थ्यकर्मी मैंने रही आशाकर्मी मैंने रही अंगनवाड़ी कर्मी मैंने रही प्रत्येक दिन डोर टू डोर स्टेप बुलवार आवश्यक रही लोक मैंने सचेतन करार आवश्यक रही आपण मैंने कू कि चुआ पा व्यवहार करूँ ना जो पा दि जाए टैंकर मध्यम से पा पीतु जहाद्वारा कि आपण मैंने निरोग रही पारे एक जेहेतु प्रचार कराऊ बुझा जाऊनी तो से बाध्य चुआ पा पीवाई कू पा पीवाई जो झाड़ा बांत पड़ता जीवन जाऊँच एक निहत भाव में कौन सामना को आसूँ तो से दृष्टिकोण सरकार जो मैंने रही अधिकारी मैंने आशाकर्मी मानक कमेर लगातु अंगनवाड़ी कर्मी कमेर लगातु और जो मैंने सेठिकार स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी मैंने अच्छा कमेर लगातु से घर घर बुली सचेतन दिव्य पूरा टीम को तत्परता प्रकाश कर आवश्यकता रही दिव्य टी पूर्व आम सहित राजेश जोड़ी प्रतिनिधि स्थानीय प्रतिनिधि से जहाँ कहते जे सेठी जो गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रही स्वास्थ्य केंद्र गुड़िक
सठिक परिमाण में डाक्तर नहांती स्वास्थ्यकर्मी नहांती जो कि ये गोटे बड़ कारण ही था पारे कारण लोक जदि प्राथमिक स्टेज रु हुए तो निजर चिकित्सा कराई था बोध हुए आज ये संक्रमण अधिक मात्रा रे बढ़ी न था जनक आउ जन को व्यापी न था निहाती भाव चिन्मय आपड़ जो देखिए गोटे समाज से आगक बढ़े जो तार प्रमुख दुईट अंग गोटे हूँ शिक्षा गोटे हूँ स्वास्थ्य ए दुईटा दिग को सरकार गुरुत्व दिखते दुईटा दिगरे जदि विकास हुए ताहले से समाज आगक बढ़े समाज विकसित हुए किंतु ओडिशा रे यार व्यतिक्रम देखा मिले शिक्षा क्षेत्र में कौन स्थिति रही आप जानते मुझे जानी एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आप देखिए सरकार तथ्य कौन प्रत्येक मेडिकल पाखापाखि 50% डाक्तर पदवी खाली रही डाक्तर हूँ बा जो मैंने रही स्टाफ नर्स हूँ कि जो अधिकारी मैंने रही कथा 50% वर्तमान डाक्तर कि स्टाफ नर्स खाली रही एक सरकार निजे विधानसभा स्वीकार कर दृष्टिकोण आम देखा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रति सरकार से आंतरिकता ना जो लोक मैंने जितेबाद कौन रोग में पड़ते मेडिकल आस समय कि उपयुक्त सेवा पाइबे से उपर गुरुत्वारोप कर आवश्यक रही जदिव जो 5G कथ कहुच्छी मो सरकार कथा कहुच्छी यह प्रथम स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग व पुलिस विभाग आरंभ होता किंतु मो सरकार सत्ते आजिका दिन स्वास्थ्य विभाग में चरम अवहेला सामना को आसूस जिते बड़े रोगीटी आसूसी मेडिकल अनेक गुड़े कहींपर अवहेलार शिकार होगा पड़ी कौटी डाक्तर रोषर शिकार होगा पड़ी क्योंकि जिते मेडिकल आसूस उपयुक्त व्यवहार मिलूनी दूर दूर मार मार कर परिस्थिति लोक मैंने मेडिकल आसवा भय करते मेडिकल जी से मत कौन व्यवहार होते उपयुक्त सेवा मिल कि नहीं आपको नहीं लोक मैंने जो मैंने उपात अंचल रही जो मैंने सेमती शिक्षित नुहति से भय करती आम जब बड़ मेडिकल को जीवु तालोले आमको से कौन परिस्थिति हे यहाँ नहीं से रोग हेले लुचे बसी जाती घरे तो प्रथम कथा सचेतनता कर आवश्यक रही जो कथ कहते स्वास्थ्य सेवा को आउटे अधिक त्वरावित कर आवश्यक रही विशेषकर जो बर्तमान झाड़ा बांती व्यापी रायगढ़ काशीपुर अंचल से सब जगह को अधिक टीम पठार आवश्यक रही जेहेतु गोटे पर गोटे लोक से झाड़ा बांती आक्रांत होती तो जिते अधिक लोक आसवे से अधिक कह भित्तिमि आवश्यक पड़ो से अधिक कहपर डाक्तर हूँ नर्स हूँ आवश्यक पड़ो से टी अटक चाहिए पूर्व आलोचना करुले भाइब्रियो कलेरा भूताणु के मारात्मक हो पारे आप जो कथ कहते विशेषज्ञ मैंने बेसिकली आपको एक्सप्लेन करेंगे आम सहित वर्तमान स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष साहू जोड़ी होती डॉक्टर साहू आपको आलोचना को स्वागत जनइबी डॉक्टर साहू कथा जे वर्तमान काशीपुर स्थिति बिगुड़ी धीरे धीरे 8 जन मृत्यु घटला अनेक आक्रांत है या भितर कथा सामना को आसूची वाइब्रियो कलेरा भूताणु ये भूताणु के मारात्मक डॉक्टर साहू जानवा पई चाहिबा जे वाइब्रियो कलेरा भूताणु केते मारात्मक होई पारे आगे मारात्मक कहिले आपन माने जानतु जे कलेरा जदि विभिन्न प्रकार अछि वाइब्रियो कलेरा होत सबटु डेंजरस काहे कि ये गोटे एमितिया जीवाणु जो कि आपनकर शरीर रो सब पानी अंश बाहर कर दबो झाड़ा द्वारा चाउल धुआ पानी भळिया जो थी कि आप भावंतु चाउल धुआ पा भाया जदि बाहर करदब प्रथम किसी झाड़ा आसबापर खाली पूरा पा देह निष्कासन करा डिहाइड्रेसन कर जीवन नहीं जीवार चान्स अच्छी से हूँ बहुत मारात्मक से कौन सन्देह ना एपाई कहुचे मान डिहाइड्रेसन टाको केल्दी हाइड्रेशन करा हबो नले जा तार जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो किंबा अन्य कोनोसी पानी कमी गले जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पे सेति पाई शरीर प्रति जीवन नै बार चांस अछि शरीर पाई बहुत खतरनाक हि पारे। ओके डॉक्टर साहू कथा होची जो वाइब्रियो कलेरा भूताणु कथा कोआ जाउची वर्तमान चिन्हट करा जाइची ना पूर्वरो मध्ये भूताणु थिला नै नै पूर्वरो ये थिला सब बले अछि ये कौन सी जो थे आप आगुरी बर्ष कही 2007 मोर जहा मन पड़ी से वाइब्रियो कलेरा बाहर करते जोन टा एंडेमिक जोन की आम आगुरु ही पानी वर्षा दिन आसिले साधारण तो विशुद्ध पानी देवा निहाती दरकार किंबा घर घर को पानी जल जोगाण जोड़ा कि आम केन्द्र सरकार योजना जेते जल्दी पारिबो ताकु
ମାନେ ନେଇକିରି ସେ ଜଳ ଜଳ ଜୀବନ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଥିରେ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗେଇବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାଣି ପାଣି ପରେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଫୁଡ୍ ଯୋଉଟା ସେଇଥିରେ ବି ଭିବ୍ରିଓ କଲରୀ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମେନଲି ପାଣି ପାଣି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡରରୁ ବାହାରୁ ଯୋଉମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ମାନେ ସାଇ ସାଇରେ ଯୋଉଟା ଖୋଲା ହେଇଥାଉଛି କିମ୍ବା ଅନହାଇଜେନିକ ଜାଗାରେ ବି ଖାଦ୍ୟ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ନିଜର ଗରମ ବଏଲ କରିକିରି ପାଣିକୁ ପିଇବେ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ଖାଇବେ ଆଉ ସେ ଏରିଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମାନେ ଫୁଟା ପାଣିକୁ ନେଇକିରି ପିଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗରମ ଜିନିଷ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ କଥା ହେଉଛି ଯେହେତୁ 2007ରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିଥିଲା ଏବଂ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ଶିକାର ହେଉଥିବେ ଏକଥା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ସଜାଗ ହେବାର ଥିଲା କାରଣ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ ଯେମିତିକି ସେଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧହୁଏ ଆଜି 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ନା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବା 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି 2007 ମସିହାରୁ ସେଇଠି ଭିବ୍ରିଓ କଲେରୀ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲା ପରେ ଯଦି ବାହାରୁଥିଲା ସେଇଠି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡେମିକ ଜୋନ୍ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡେମିକ ଜୋନ୍ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ସେ ଭିବ୍ରିଓ କଲେରୀ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି ଇଭେନ୍ ନର୍ମାଲି ବି ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟାକୁ ୱାଟର ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ହଉ ସଲ୍ଟି ୱାଟର ହଉ ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଭିବ୍ରିଓ କଲେରୀ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନ ମିଳିକି ଯଦି ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବୋଲି କୁହାହଉଛି ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ଯୋଉଥିରେ ଖରାପ ପାଣି ଯଦି ଥିବ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆଉଥିରେ ସେମାନେ ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଯାହାର ଟିକେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି କମ୍ ଥାଏ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଥିବ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନଥିବେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିବ ତାହେଲେ ପାଣି ସୁବିଧାରେ ମିଳୁନଥିବ ସେଇଠି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ ସେ ଭିବ୍ରିଓ କଲେରୀ ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ଫେର ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ଭିବ୍ରିଓ କଲେରୀ ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜର ଓକେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବ୍ୟାପିଲାଣି ଏବଂ ଯଦିଓ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଔଷଧ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମର 50%ରୁ କମ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ବି କମ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସେତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମାନେ ମିଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହଉ ହେଲ୍ଥର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିବା କଥା ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାନେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯେତେ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ସଚେତନତା କରିବା କଥା ସେ ସଚେତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯଦି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ ସଚେତନ ଆଗରୁ କରୁଥାନ୍ତେ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରି ସଚେତନ ବିଲକୁଲ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆଶା କରିବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ଟିକେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟକ ଟିମ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଉ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଉ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପୁଛି ସେ ତାର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁ ଆଶା କରିବା ଯେ ୟାପରେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ କାଶୀପୁରର ରାଜେଶ ପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କାଶୀପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।